ये अगर कोई मारुति वारुति गाड़ी होती तो खुरचनी पड़ती रोड पे से। हेलो भाई, मैं अरुण पवार। अभी फिलहाल मैं खड़ा हुआ हूँ भाई महिंद्रा के डीलरशिप पे। एक्चुअली यहाँ पे हम एक इस थार की डिलीवरी लेने के लिए आए थे भाई। ये थार आज 2 महीने बाद दोबारा जिंदा हुई है भाई। इसकी सोल निकाल के बॉडी वही है, बस इसकी जो आत्मा उसको निकाल के भाई दोबारा से इसमें एक और आत्मा फिट करी गई है और बॉडी ऊपर से पहना दी गई है। अभी जो इतना सब मैंने आपको बताया कन्फ्यूज कर दिया है भाई, उसको पूरा सिंप्लीफाई कर देता हूँ अभी क्लियर शब्दों में। तो मिलिए आप तन्मय भाई से जो रहने वाले हैं फरीदाबाद के। सुनाओ भाई, क्या हाल चाल है? बस भाई बढ़िया, बताओ। बस बढ़िया भाई, क्या करते हो भाई, कहाँ के, क्या कुछ, अपने थोड़े इंट्रोडक्शन हो जाए। मेरा नाम है भाई तन्मय, मैं रहता हूँ फरीदाबाद सेक्टर 37। काम वाम तो देखो रेंटल के फिलहाल अभी। तो ये थाल ले रखी है 4x4, कब ली थी भाई? डीजल में है इतना तो है ना? डीजल में भाई। और कब ली थी भाई? मई 25 मई करीब भाई। ये 2023 में? 2023 25 मई। आज जो मैं आपको स्टोरी बताने वाला हूँ भाई बहुत डिफरेंट है। एक्सीडेंट हमने बहुत देखे हैं, एक्सीडेंट के बाद गाड़ी रिपेयर होती भी बहुत देखी है, बट क्या कभी आपने सुना है कि भाई गाड़ी की चेसी चेंज हो गई हो? सुना था तन्मय भाई पहले आपने गाड़ी की चेसी? कभी सुना नहीं ना, देखा भाई ने खुद के ऊपर ही देखा आज। भैया ने अपनी गाड़ी की चेसी चेंज करवा ली है भाई साहब। आप जब इस वीडियो को पूरा देखोगे ना, आप भी कहोगे भाई ये सब भी होता है, कसम से मैं खुद हैरान हूँ भाई। आप ये इसमें अलॉय वलो जो लग रखे 22 इंच ना भाई? हाँ भाई 22, ये 22 इंच जी। 22 इंच ये देखो, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसके अंदर स्पेस नहीं है बैठने के लायक, क्योंकि भाई गाड़ी के अंदर पूरा सिस्टम भरा पड़ा है। ये पूरा बम्पर हो गया इसका, ये गाड़ी उठाई है। इसमें भाई ने रॉक टेरेन तो ये रग टेरेन आरटी तो टायर डलवा रखे हैं। कितने के डले थे भाई पूरा सेटअप ये टायर वायरों का? 340 के करीब एलॉय टायर दोनों, और जिसमें 60,000 माइनस हो गए थे हमारे टायर के, और फिर 10-5,000 डिस्काउंट भी लिया था क्रिएटिव व्हील से पंजाब से हमने। अच्छा अच्छा, मोटा ही पैसा लगाया है मतलब गाड़ी में। और वो भाई रोड पे जब गाड़ी चलती है ना तब दिखती भी है, पर भाई गाड़ी को इसको नजर लग गई यार, अलॉय डलने के बाद ही हुआ भाई ये सीन। हाँ एलॉय तो भाई उसी दिन चले गए थे, नाइट डिलीवरी आई थी उसी दिन। अच्छा उस दिन ही चढ़वा लिए थे। अरे शौकीन बंदे लग रहे हैं भाई मेरे को। क्या हुआ भाई बताओ, उसके बाद बताओ नेक्स्ट आगे जो हम बात कर रहे हैं वो हुआ क्या, कैसे एक्सीडेंट हुआ आपका? पहले तो भाई नंबर इसका लिया था 4141, 3-4 महीने, तो 3-3.5 महीने बाद तो नंबर आया था। 4 महीने 4.5 महीने चलाई थी, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया। अभी भाई एक्सीडेंट ऐसा हुआ था, मांगर की तरफ से आ रहे थे, वहाँ पे रोड वो टूटी पड़ी है, बाकी अंधेर अंधेर होती है, ग्रिपिंग बनती नहीं इन टायरों में। मतलब ये लुक के लिए बहुत बेस्ट है, बाकी बैलेंस नहीं बनता, स्टेबिलिटी नहीं है। बैलेंस नहीं बनता, स्टेबिलिटी नहीं है इस टायर में। ड्राइविंग में मजा नहीं है? ड्राइविंग में वैसे हाँ बाउंस होती रहती है बस, लोकल के लिए ठीक है 2-4 किलोमीटर हाँ। लोगों के लिए बस लेकिन अगर भगा रहे हो थोड़ी भी अगर स्पीड पे और उस टाइम टर्न मार दिया तो दिक्कत हो जाती है। ब्रेकिंग नहीं है क्योंकि उसमें आप देख रहे गुड्डी के बीच में गैप कितना है। हाँ। गैप के चक्कर में ग्रिपिंग नहीं पड़ पाती रोड पे, उस चक्कर में एक्सीडेंट हो गया। तो कैसे क्या क्या डैमेज हुआ भाई एक्सीडेंट में? आगे से लग गई गाड़ी भाई, आगे की तरफ से दीवार में लगी थी, तो बम्पर फॉग लाइट जाली सब टूट गई थी, चेजी तक चेंज हुई है, चेजी रेडिएटर कंडेंसर सब चेंज, डैशबोर्ड तक आ गई थी, शीशा फ्रंट शीशा और डैशबोर्ड में चटक आ गई थी। अच्छा जी, अंदर तक पहुंच गई थी बात, इतनी तेज दीवार में मारी भाई, फोटो पड़ी है सर डैशबोर्ड की, ढूंढनी पड़ेगी उसकी भाई। ये जो चेसी रहती है ना गाड़ी की, देखो गाड़ी कैसे बनती है भाई, सबसे पहले एक फ्रेम लिया जाता है, कोई भी लोहा जो जिसको हम बोलते हैं बेस, जो हाँ बेस है जिसके ऊपर गाड़ी बनती है, मेन लोहे की जो वो जिसके ऊपर कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करती है उसको बनाने में, उसके ऊपर बॉडी रखी जाती है भाई। इतना डैमेज क्या हो गया कि भाई चेसी तक चेंज करनी पड़ गई भाई कंपनी को इस गाड़ी के अंदर? भाई बैंड हो गई थी चेसी ना, तो थोड़ी बहुत गाड़ी स्पीड में भी थी, बाकी दीवार वाली तो कितनी बैंड हुई थी भाई ये चेसी ऐसे? वैसे इतने ध्यान से देखा नहीं उन्होंने, बस ये बताई थी ये चेंज हो पाएगी आपकी जब भी बैलेंस बनेगी, नहीं तो गाड़ी सीधी नहीं चलेगी। अच्छा एक्सीडेंट के बाद आपको आइडिया था कि चेसी तक नौबत आ जाएगी इसकी चेंज करने की? नहीं, उम्मीद नहीं थी भाई। हम तो मैं खुद पहली बार आज, क्योंकि मैंने पहली बार ही सुना और पहली बार अपनी गाड़ी में देखा कि यार ऐसे चेसीज भी चेंज हो जाती है, क्योंकि वरना क्योंकि पता क्या है इंजन नंबर और चेसी नंबर को थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है, क्योंकि इसमें इंजन नंबर चेसी नंबर आरसी में रहता है, वो कैसे चेंज करने के बाद वो कैसे अपग्रेड होगा आपका आरसी? मतलब कुछ महिंद्रा महिंद्रा ने बताया कि आरसी अपग्रेड करनी पड़ेगी? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, नॉर्मली मतलब अपने आप ही चढ़वा दी होगी जो भी है। हाँ कुछ ऐसे कुछ कही नहीं कि ये दिक्कत है या नंबर वंबर कुछ भी नहीं, कुछ कही आप ले जाके आपने खड़ी कर दी। इंटीरियर देखते हैं भाई गाड़ी का एक बार, अंदर से भी कुछ करवा रखा है? अंदर से कुछ भी नहीं, अभी अंदर से नॉर्मल है एकदम, टाइम नहीं है जब करवाने जाते इतने में। तो इसमें भाई हुआ क्या, जैसे चेसी गए भाई एक्सीडेंट के बाद, उन्होंने कह दी चेसी चेंज होगी भाई, आपको ऐसा धक्का सा नहीं लगा कि हैं चेसी? भाई वही पहली बार ही सुना था, अजीब से लग रहा था कि चेसी के लिए छोटा मोटा कुछ होता समझ आती, पूरी चेसी की बात कर रहे हैं।
थोड़ी कन्फ्यूजन सी तो हुई थी, फिर दिख भाई एक दो दोस्तों को कि उन जिन्हें नॉलेज है थोड़ी बहुत, वो कह रहे थे भाई चेंज ही होगी, बैंड हो चुकी है। तो टोटल लॉस क्या नहीं बोला था उन्होंने इंश्योरेंस वालों ने? एक बार तो बीच में डरा दिया था, इंटरनल जो सर्वे होते हैं ना उन्होंने तो कह दी थी कि टोटल लॉस में जाएगी गाड़ी। हाँ। उसके बाद एक्सटर्नल सर्वेयर से सर्वे करवाया था कंपनी वालों ने, बाहर से भेजे थे सर्वेयर, उन्होंने कही थी जब जाके हुई है तो मतलब इंश्योरेंस में आई। तो क्या कुछ खर्चा मानो इसका, इसका खर्चा बिल? अच्छा टोटल बिल दिया मेरे को तो, बाकी बिल पड़ा। देखो जो ये चीज है ना, आप जो ये चीज देख रहे हो ये चेंज्ड है यहाँ पे, और एक और कमाल की चीज दिखाऊंगा मैं कि अंदर ऑल्टरेशन इंग्लिश में लिख रहा हूँ चेसी के अंदर ना, यहाँ पे अगर आप गौर से देखोगे तो ये जैसे चेसी नंबर है तो कुछ कुछ इसमें डिजिट्स ना हाथ से बनाई गई है, देखो वाई के टू पी पूरा ये हैंड रिटन है। ये मुड़ गए यहाँ से है ना, एक तो यहाँ से मुड़ी पड़ी है, बाकी ये टूट फूट पड़ी टेढ़ हो गया, ये पूरा इस तरफ होता ना सीधा, ये ऊपर हो गया और बाकी यहाँ से भी हो गया टेढ़ा आउट हो रहा है यहाँ से। तो मेरे ख्याल से ये सेम चेसी नंबर जो होता है, अभी आप ये डिस्प अपने फ़ोन पे देख रहे हो जो चेसी इसके अंदर पहले थी ना वो इस तरीके से यहाँ पे चेंज हुई है, ये पहली चेसी थी। तो मेरे ख्याल से वही चेसी नंबर को उठा के इस गाड़ी के साथ यहाँ पे लिंक कर दिया जाता है। मेरे को भी ऐसे लग रहा भाई, कुछ पूरा ताम झाम चेंज हुआ लगता है गाड़ी। हाँ भाई, ए टू जेड सारी चीज़ें, ये सारे पार्ट्स हैं यहाँ पे, ये सारे पार्ट्स हैं, इस जितने पेज हैं छोटे 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 से घनी लाख रुपये लग जाएंगे भाई साहब। घनी भाई पर्चे ही पर्चे पर्चे ही पर्चे इसमें है पूरा खर्चा, ये रहा भाई बॉक्स ही बना के दी भाई, टोटल ये रहा भाई, ये रहा ये रहा 3,80,000 80,000 के लगभग का पूरा खर्चा है। और आपने कितने पे करके आए हो आप भाई? मैं 12,000 का 12,000 फाइल चार्ज के। हाँ सिंपल बात खत्म, की बार इंश्योरेंस कंपनी घाटे में गई होगी इसलिए इंश्योरेंस बढ़िया कंपनी से होना बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत डिजिट कंपनी का था भाई, डिजिट डिजिट का तो ऐसे ही सुनते हो, बढ़िया कर दिया उन्होंने 2 महीने का भाई। बस ये था स्टार्टिंग में जब सर्वेयर वगैरह में टाइम लगा रही था 15 दिन स्टार्टिंग में, जब मतलब कि हो नहीं रहा था, कोई ले नहीं रहा था, टोटल लॉस में कर रहे थे बार बार गाड़ी। और यहाँ पे आप देख रहे हो भाई एक साइड नई चेसी रखी है, दूसरी साइड ये गाड़ी खुल खुल के, इसके पूरा बॉडी एलॉय भी टूट गया था इसका, टायर भी फट गया था, एलॉय टायर स्टेपनी वाला आगे लगा दिया, अभी पीछे के लिए ऑर्डर कर रहा है। अच्छा ये लेड्रॉन फ्रेम है भाई, इसके ऊपर से दोबारा बॉडी रखते हैं। तो उन्होंने कही भी थी कि अब गाड़ी पहले जैसी जान नहीं रहेगी, बाकी देखते ट्राई करके अभी ये तो अभी जस्ट लेके आए हो ये तो। हाँ। मुझे भी लगता है कि अब वो वाला मजा नहीं आएगा आपको, क्योंकि अब आपकी गाड़ी एक तरीके से दोबारा बनी है, जो एक तो फैक्ट्री भी बन गई मशीनों के द्वारा है कि पहले भी हाथों से ही मशीनों से जोड़ी जाती है जैसे भी है। हाँ। बाकी 19-20 का अंतर तो देखो आएगा भाई, वो प्रोफेशनल बहुत ही प्रो लेवल 19-20 का अंतर आएगा। हाँ एकदम परफेक्ट करने वाला अच्छा हो तो उसको ठीक कर सकता अच्छे तरीके से ये सब चीज, बाकी उन्होंने एज इट इज रख दी जो पहले ये बोनट लाइट लुइट जो बंपर ये टूट गए थे सब कुछ, ये नया लगवाया बाहर से जब गाड़ी रेडी होगी थी, इतने डीओ नहीं आ रहा था इतने मैंने लगवा लिया था, मैंने की रेडी करके निकाल लूंगा क्योंकि इन टायरों में लग नहीं रहते, वो कंपनी वाला बंपर पूरा कटवा के देख लिया जब भी नहीं लग रहा था। तो जो भाई ये पूरी छतवत देख रहे हो ना आप, ये कंप्लीट ए टू जेड ये सारी चीजें नई तरीके से प्लेस्ड करी गई है, मतलब ये चेंज नहीं हुई है, ये उसी गाड़ी की है। ये पार्ट चेंज हुआ है, ये चटक गया था, ये पार्ट चेंज हुआ है। अच्छा ये भी? हाँ। और भाई जब एक्सीडेंट हुआ उसमें आपको बिल्ड क्वालिटी भी कुछ समझ आई हो गाड़ी की उसके बाद? भाई बिल्ड क्वालिटी से एक नंबर लगी उस टाइम पे तो, और जो मेन खेल था जो हमने बम्पर लगा रखा था ना बाहर का। हाँ। वो झेल गया, जो चोट झेल गया जो लोहे का होता है, लोहे का था प्योर बिल्कुल, नहीं तो लोगों के मैंने देखे कईयों के टूट जाते बड़ी जल्दी, ये होता ये तो पूरे अंदर तक ले जाता। तो ये भी टूट जाता है, उन्होंने गिफ्ट दिया है किसी का? नहीं नहीं टूटा हुआ ये अपना ही है। अच्छा। ये लगवाने की कोशिश करी थी, इसमें लगनी थी पत्ती मिलती नहीं है कंपनी में। हाँ। लग नहीं पा रहा था इन टायरों में, बाकी अभी तक इसमें भाई सारी चीजें ऐसे तो विजिबल ही हैं। अभी वो लगवाने जा रहा था ना इसको नीचे का, और ये भाई पूरा जो आप देख रहे हो ना नीचे का ये चेंज, मान लो चेसी मेनली चेसी क्या भाई बीच के जितनी रोड वोड होती है सब चेंज हुई है, चिमटे सब यहाँ होता है इसका चेसी नंबर मिटा दिया है यहाँ पे। ये भाई फिर से ऐसा ही बना दिया पूरा कंप्लीट, ये प्रोफेशनलिज्म तो है यार, ऐसे कोई बता नहीं सकता, किसी को पता ना हो तो नहीं, जैसे चेसी फेसी भी कोई चेंज हुई चला के भी नहीं बता सकता भाई, अभी तक तो बढ़िया चल रही है। अभी तक सब चला के लिए अभी निकाल के लाया हूँ तो अभी तो सही बढ़िया चल रही है। तो क्या कहते हो भाई इन टायर्स के साथ दिक्कत रहती है चलाने में? दिक्कत तो बहुत ज्यादा, बस ये लुक के लिए ठीक है, सेकेंडरी कार ठीक है, बाकी दिक्कत। भाई पूरी गाड़ी पे पीपीएफ थी तो उन्होंने बोनट वोनट चेंज करके पेंट करा तो पूरी गाड़ी को मैच करने के चक्कर में पीपीएफ हटानी पड़ी। पीपीएफ तो हटा ही देते हैं, एक्सीडेंट माइनर सा भी होता उसके बाद भी भाई पीपीएफ हट जाती है, तो वो नुकसान सा नहीं लगा? घरवारे की पीपीएफ थी ज्यादा
नुकसान वही हुआ मेन तो। चलो भैया हमें ये बताने के लिए तन में भाई बहुत बहुत धन्यवाद यार कि चेसी भी चेंज हो जाते गाड़ियों की आगे से। भैया कैसा भी एक्सीडेंट हो आजकल कंपनी वाले चेसी वेसी मंगवा के सब कुछ चेंज कर ही देंगे एट द एंड। बाकी ये थी कि अगर कोई मारुति वारुति गाड़ी होती तो खुरचनी पड़ती रोड पे से वो तो महिंद्रा टाटा ही झेल रही है। चलो जी भाइयों ये थी पूरी वीडियो, देखने लगा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।